नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी फटाफट। मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। नजर डालते हैं यूपी की खबरों पर। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर से निकलकर रेलवे स्टेशन स्थित रैन बसेरे और झूलेलाल मंदिर स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने रैन बसेरे की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। वहीं मुख्यमंत्री ने रैन बसेरे में ठहरे व्यक्तियों से बातचीत कर रेलवे स्टेशन पर उपस्थित मजदूर व गरीब लोगों को कंबल भी बांटे। अम्बेडकर नगर में जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र की फेसबुक आईडी हैक कर ली गई है। हैकर ने डीएम की आईडी से मैसेंजर पर लोगों से पैसे भी मांगे हैं। फेसबुक ने फर्जी आईडी को ब्लॉक कर दिया है। ये जानकारी डीएम ने खुद फेसबुक पर पोस्ट करके दी। फर्रुखाबाद में नगर पालिका के स्वच्छता अभियान की पोल खुलती नजर आ रही है। कर्मचारियों ने पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ा दी। गंदगी से परेशान लोगों ने सड़क पर फैले कचड़े का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। चंदौली में एक प्राइवेट स्कूल के सामने स्कूल फीस के मुद्दे को लेकर अभिभावक भूख हड़ताल पर बैठ गए। अभिभावक लॉकडाउन से लेकर अब तक की फीस में आंशिक छूट की मांग कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन फीस के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाता नजर आ रहा है। जालौर में 3 दुकानों में अचानक आग लग गई। आग से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। एटा में एक लव जिहाद का मामला और सामने आया है। यहाँ एक लड़की के पिता ने 2 महिलाओं सहित 8 लोगों पर बेटी को बहला फुसला कर भगा ले जाने और धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराने व एक युवक से जबरदस्ती शादी कराने का आरोप लगाया है। पुलिस ने एक महिला सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन मुख्य आरोपी जावेद सहित 5 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस ने सभी आरोपियों के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया है। आगरा में हुई बैंक लूट कांड का अपर पुलिस महानिदेशक अजय आनंद व एसएसपी बबलू कुमार ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन 3 लुटेरे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। लुटेरों के पास से पुलिस ने 4,00,000 रुपए भी बरामद किए हैं। सीतापुर में कुछ अराजक तत्वों ने 3 बाइकों में आग लगा दी। देखते ही देखते बाइकें खाक हो गई। उधर पीड़ित परिवार का कहना है कि ये हरकत बदमाशों की है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये आग किसी शरारती तत्वों ने नहीं लगाई। ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। आगरा में इन दिनों फिल्मों की शूटिंग के लिए सितारों का जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ अक्षय कुमार की फिल्म अतरंगी रे की शूटिंग चल रही है, जिसमें सारा अली खान और साउथ के स्टार धनुष भी शामिल है। फर्रुखाबाद में खिलौने के एक गोदाम में आग लग गई। आग से पूरा गोदाम जल गया। लोगों की मदद के बाद लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस भी आग की सूचना पर मौके पर पहुंची और अपनी कार्रवाई में जुट गई। एटा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने 3 राहगीरों को रौंद दिया है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। शामली में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी मृतक के शव को उसी के कमरे में बंद कर दिया गया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। फर्रुखाबाद में खुलेआम सट्टे का व्यापार चल रहा है। लोगों ने सट्टेबाजी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई। शाहजहांपुर में लव जिहाद से जुड़ा एक मामला और सामने आया है। महिला का आरोप है कि एक युवक ने पहले धर्म छिपाकर उससे नजदीकियां बढ़ाई, फिर बाद में धर्म परिवर्तन कर जबरन निकाहनामा पर हस्ताक्षर करा लिए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया है। यूपी फटाफट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।